मैं किसी को ऐसा फेक चीज़ या गलत चीज़ नहीं बताता हूँ जिससे किसी जिससे सिर्फ मेरा फ़ायदा हो कि मेरे व्यूज़ आ जाएं, मुझे अपने से मतलब है, ऐसा नहीं है। अगर मेरी बताई हुई टिप्स यूट्यूब पर काम ना करे तो फिर आप मुझे कमेंट में जी जान भर के गालियाँ दे सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी पता चले कि मैं सही जानकारी देता हूँ या गलत जानकारी देता हूँ। बबलू बन्ना व्लॉग, आपने शायद ये नाम ना सुना हो, लेकिन अगर आप माय फर्स्ट व्लॉग टाइटल करके सर्च करेंगे तो दूसरे तीसरे नंबर पर अभी ट्रेंडिंग में इन्हीं के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इन्होंने माय फर्स्ट व्लॉग टाइटल से वीडियो बनाया था और वो काफ़ी लोगों द्वारा देखा गया, लाखों लोगों द्वारा देखा गया, वायरल हो गए। इन्होंने अपना चैनल 4 अगस्त 2022 को बनाया था और आज मैं जो वीडियो आपको ये दिखा रहा हूँ ये 21 अक्टूबर 2022 का है। तो आप देख सकते हैं कि इतने कम अंतराल में इन्होंने यूट्यूब पर कैसे प्रसिद्धि पाली, एकदम से आगे कैसे बढ़ गए, कैसे वायरल हो गए ये वीडियो। साधारण तौर पर ये अपने व्लॉग वीडियोस शूट करते हैं और काफ़ी डेडिकेटेड मेहनत करने वाले बंदे हैं। अब इन्होंने ऐसी क्या ट्रिक आजमाई कि ये वायरल हो गए, तो इसी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं आपको ऐसी यूट्यूब पर टिप्स बताऊंगा जो शायद इतने आसान तरीके से मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिलेगी और एकदम पक्की होगी, जेन्युइन होगी। मैं किसी को ऐसा फेक चीज़ या गलत चीज़ नहीं बताता हूँ जिससे सिर्फ मेरा फ़ायदा हो कि मेरे व्यूज़ आ जाएं, मुझे अपने से मतलब है, ऐसा नहीं है। अगर मेरी बताई हुई टिप्स यूट्यूब पर काम ना करे तो फिर आप मुझे कमेंट में जी जान भर के गालियाँ दे सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी पता चले कि मैं सही जानकारी देता हूँ या गलत जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं YouTube से जुड़ी अगर आपको टिप्स दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के ऐसे ही वीडियो बना दिया सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ है। तो इतने कम समय में बबलू बन्ना व्लॉग इतना वायरल कैसे हो गई? हालांकि मेरे भी अभी 5 वीडियोज़ वायरल हुए थे जिनके लाखों में व्यूज़ गए थे, लेकिन कॉपीराइट होल्डर ने उस पर स्ट्राइक दे दी और 5 वीडियो वो YouTube से हटा दिए गए थे। लेकिन मैं उन वीडियोस को वायरल कर दिया था, तो मैं वीडियोस में करता क्या हूँ वो आपको इस वीडियो में ही सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप ये करें या ना करें। तो मैं बबलू बन्ना व्लॉग की जीवनी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं वो तरीका बताऊँगा जिससे कि आप भी अपने वीडियोज़ पर बहुत सारे व्यूज़ पा सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं। YouTube टिप्स से जुड़ा आप मेरा एक वीडियो देख लेना, अगर वो आपके लिए काम नहीं करता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा कोई सा भी वीडियो मत देखना। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि थंबनेल पे कुछ लिख दिया और वीडियो के अंदर कुछ बता दिया सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। मैं आपको वही बताऊँगा जो आपके लिए वास्तव में यूजफुल होगा। अब यूट्यूब पर या कहीं भी वायरल होने के लिए 3 तरीके के कंटेंट होते हैं। पहला होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जिसमें वे टॉपिक्स होते हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स का एक लिमिटेड टाइम होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10 दिन, 15 दिन तक चलते हैं। दूसरा होता है पेरिनियल यानी कि सदाबहार टॉपिक्स, इसके अंतर्गत वे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनको लोग अक्सर सर्च करते रहते हैं, जैसे कि गोलगप्पे कैसे बनाएँ, भेलपूरी कैसे बनाएँ, किसी फेमस जो व्यक्ति है उसका नाम, या फिर जनरल नॉलेज की कोई चीज़, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको लोग अक्सर सर्च करते रहते हैं, ये आते हैं सदाबहार कंटेंट में। अब तीसरे नंबर पर आता है अटेंशन ड्राइंग यानी कि ध्यान खींचने वाले कंटेंट। एग्जांपल के तौर पे आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनके थंबनेल में या टाइटल में इस तरीके से लिखा रहता है, अगर आपके 3-4 व्यूज़ आते हैं बस ये यूट्यूब की सेटिंग कर लो, वायरल ना हुए तो अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। फिर उस वीडियो के नीचे कई सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि भाई तेरे तो मूछें पहले से ही नहीं है, तू मुड़ाएगा क्या? अब ये क्या हो जाता है कि ये अटेंशन ड्रॉ करते हैं वहाँ, फिर इस तरीके के लोग जब देखते हैं तो कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और बहुत सी ऑडियंस तो ऐसी होती है कि सिर्फ कमेंट्स ही देख के आ जाती है और वहाँ देखती है अरे बढ़िया यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है, यहाँ पर तो बढ़िया कन्वर्सेशन चल रहा है, फिर वो एक दूसरे से वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। तो ये तीसरे तरीके का कंटेंट है। ये 3 तरीके के कंटेंट ही सिर्फ आपके वीडियो को वायरल करते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मैं तो मोटिवेशनल कंटेंट बनाता हूँ या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का कंटेंट बनाता हूँ,
तो मेरे वीडियोस वायरल हो जाते हैं या फिर नहीं भी होते हैं। अगर आपके वीडियो वायरल हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। तो ये एक विशेष प्रकार की जो कैटेगरी है जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ मेड कैटेगरी। इसके अंतर्गत आप अपनी मर्जी से कंटेंट बनाते हैं और इसमें चांसेस कम रहते हैं कि वीडियो वायरल हो। किसी किसी का वीडियो 2 साल में 3 साल में वायरल हो सकता है, और हो सकता है किसी का 6 महीने में भी हो सकता है, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो। अब अटेंशन ड्राइंग यानी ध्यान खींचने वाले में एक चीज़ खास होती है। वो क्या खास होती है? उनका पोस्टर, थंबनेल। अब इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप सेल्फ मेड कंटेंट बनाते हैं तो आप उसमें अपना पोस्टर यानी कि थंबनेल अच्छा कर सकते हैं, पर ऐसे चांसेस कम होते हैं कि इस तरीके के जो सेल्फ मेड कंटेंट होते हैं वो वायरल हों। वो तभी वायरल होते हैं जब उनका वास्तव में कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, अर्थात अगर कोई भी उन्हें एक बार या दो बार देख ले तो वो दूसरों को शेयर कर दे, ऐसा होता है वो कंटेंट। तो अगर आप सेल्फ मेड कंटेंट चुनते हैं तो फिर आप उनमें ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका थंबनेल उसमें अच्छा हो, पोस्टर अच्छा हो। अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर ही कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्सियल होते हैं, उनके चांसेस और ज़्यादा रहते हैं वायरल होने के। अब कोई भी सेल्फ मेड कंटेंट वो वायरल हो सकता है, वो वायरल हो सकता है उसमें अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक टाइटल दिया हो या अच्छी सी थंबनेल बनाई हो जो कंट्रोवर्सियल है, कंट्रोवर्सियल या कॉन्फ्लिक्ट वाला कंटेंट, या अर्थात जैसे कि कहीं पे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, या ये कंट्रोवर्सियल कंटेंट होते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं होते हैं, इनको बनाना ठीक नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जब तक चलते हैं तभी तक चलते हैं, उसके बाद से फिर ये YouTube की तरफ से या फिर कॉपीराइट होल्डर की तरफ से डिलीट कर दिए जाते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप YouTube पर या कहीं भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्टेड वाले और या कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक बनाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे 10 दिन में वायरल होना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, इन सब तरीके के कंटेंट में वायरल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। पहले तो आप टाइटल चुनते हैं वो तो अलग चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो मायने रखता है पोस्टर, पोस्टर अर्थात थंबनेल। अगर आपने थंबनेल अच्छी बनाई है तो वो ही आप यूजर का ध्यान आकर्षित करती है। अब इसके टेस्ट के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं अपने शहर में जाते हैं, वहाँ कोई मूवी लगी हो, और वहाँ मूवी में जो पोस्टर होता है, 2-3 तरीके की मूवी लगी हो जिसका आपको सबसे ज़्यादा पोस्टर अच्छा लगेगा, आप सोचोगे कि यही मूवी अच्छी होगी, आप उसे देखने चले गए, आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप उसके पोस्टर को देखकर ही देखने चले गए ना, और एक मूवी जो वाकई में अच्छी थी आपने उसका पोस्टर देखा कि पोस्टर तो अच्छा है नहीं, आप उसे देखने नहीं गए लेकिन वो मूवी अच्छी थी फिर भी। तो यही काम करता है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, या जहाँ कहीं भी आप अपना कंटेंट बनाते हैं वहाँ पर। तो आप विशेष तौर पर ये याद रखिए कि आपको थंबनेल अच्छे से अच्छी बनानी है, ऐसी थंबनेल बनानी है कि कोई भी अगर आप देखे तो तुरंत उस पर क्लिक कर दे। आप उसका उदाहरण आप अपने से ही ले लीजिए कि आप सबसे पहले किसी वीडियो पर कब क्लिक करते हैं, जब आपको उसका पोस्टर या थंबनेल अच्छी लगती है। वीडियो के अंदर क्या है क्या नहीं है वो अलग मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आपने थंबनेल देखकर उस पर क्लिक कर दिया था। तो क्या होता है कि उसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। अगर क्लिक थ्रू रेट उसका बढ़ जाएगा, अर्थात अगर आपका क्लिक थ्रू रेट 15% से ऊपर जाता है, तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि YouTube उसके इम्प्रेशन ज़्यादा देगा, अर्थात ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। तो इस तरीके से YouTube की एल्गोरिथम बड़े सिंपल तरीके से कार्य करती है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी उठता होगा कि हम बाद में थंबनेल बनाएं या बाद में टाइटल दें या पहले। सबसे पहले आप अपने दिमाग में टाइटल सोचिए और उसकी थंबनेल बनाइए अच्छे से अच्छी, उसके बाद उस पर काम करिए। क्योंकि अगर आपको अपने थंबनेल की जानकारी होगी और टाइटल की जानकारी होगी तो आप उसे एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में बहुत सी बातें आ चुकी होंगी, और बस आपको YouTube पर वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगा
कि जब आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं उस वक्त आप प्रॉपर टाइटल दें, उस टाइटल के अकॉर्डिंग ही आप उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और लिखें, अर्थात उस वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लिखें। बहुत ज़्यादा लंबी सी कथा भी ना लिख दें, लेकिन इतना लिख दें ताकि वो सर्च इंजन में ठीक से आ सके, कीवर्ड YouTube पकड़ सके। आप हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैशटैग का आप इस्तेमाल आप अपने डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप अगर टाइटल में करते हैं तो फिर देखने वाले को ऐसा लगता है कि आपने व्यूज़ पाने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है। अब बात आती है मेन टैग्स की। तो टैग्स की अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टैग्स दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टैग्स दे देते हैं। इसका नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। नुकसान तो ये होता है कि आपने अगर मल्टीपल टैग्स दे दिए, कहीं किसी के, कहीं किसी के, कहीं किसी के, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम कन्फ्यूज हो जाएगी कि मैं इस वीडियो को दिखाऊँ तो दिखाऊँ कहाँ। इसलिए आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको टैग्स उस टाइटल के और जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए आपके, वरना आपके अंदर लालच आएगा कि नहीं, मैं तो इसे वायरल करने के लिए कई सारे टैग्स लगा देता हूँ, तो फिर पता चलेगा कि वो वीडियो YouTube ही कन्फ्यूज हो जाएगा। आप किसी को कन्फ्यूज करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन जैसा ही काम होगा ना। इसलिए आप 5 टैग दे सकते हैं, और हद से हद ज़्यादा देना चाहें तो 7 दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मोस्टली इतने टैग्स में वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी वर्ड को अगर लिखेंगे कई तरीके से, हिंदी, अंग्रेजी या कैसे भी, तो 5-7 टैग्स में वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी मेरे घर वाले मुझे झाड़ू लेने के लिए भेजते हैं तो मैं शाम होने का इंतज़ार करता हूँ। शाम होने के बाद अंधेरा हो जाता है, फिर उसके बाद चुपचाप से मैं बाइक उठाता हूँ और उसके बाद से मैं चुपचाप से मार्केट जाता हूँ, दुकान से झाड़ू खरीद के अंधेरे में ही घर पे ले आता हूँ। अब क्योंकि झाड़ू लाने में दिन में तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो शाम होने का इंतज़ार करते हैं। तो आप कमेंट करके हमें भी ये बता सकते हैं कि आपके साथ भी क्या ऐसा होता है, क्या झाड़ू लेने के लिए ही सिर्फ ऐसा होता है या फिर दूसरी और किसी चीज़ के लिए। तो ये जानना मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप चाहें तो बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा, और लगा है तो दबा के शेयर कीजिए। मैं हूं कुलदीप, और मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।